प्रणाम नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार, जैसा कि आप लोगों ने सोशल मीडिया यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से देखा होगा कि किस तरह से एक अंडा बेचने वाला मामूली सा लड़का बीपीएससी क्वालिफाई करके एक अधिकारी के रूप में अपनी सफलता प्राप्त की। मैं ही वीरेंद्र कुमार हूँ। मैं औरंगाबाद ज़िले के बारून प्रखंड के एक छोटे से गाँव हाथीखाप का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी का नाम भिखारी राम है और माताजी का नाम फुलवा देवी है, जो दोनों इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उन्हीं का संस्कार, प्यार, आशीर्वाद है जो आपके बीच में एक सफल अधिकारी के रूप में खड़ा हूँ। अगर मेरा जीवन संघर्ष की बात की जाए तो हम लोग शुरू से ही आर्थिक रूप से बेहद कमज़ोर थे। हमारे पिताजी, जब हम गांव में रहते थे तो मेरे पिताजी गांव-गांव जाकर जूता सीते थे, और कुछ दिन बाद जब हम औरंगाबाद आए तो छोटी मोटी दुकान की, पापा दुकान चलाते थे और हम लोग पढ़ते थे, लेकिन 2012 में उनका देहांत हो गया, जिसके कारण से आर्थिक समस्याएं और बढ़ गई। और इस क्रम में हमारे भैया का बेहतर सहयोग रहा, हमारे भैया का नाम जितेंद्र कुमार है, उनका बेहतर सहयोग रहा, हमेशा मनोबल को उन्होंने हमारी मनोबल को बढ़ाया। और इस क्रम में समस्याएं बहुत आई, जिसके कारण मैंने खुद भी औरंगाबाद के कर्मा रोड में छोटी सी गुमटी में अंडा बेचा। करीब 6-7 साल मैंने अंडा बेचा, और इस क्रम में भी मैंने अपनी तैयारी को जारी रखा। और मेरा एक सपना था कि मैं अधिकारी बनूं, और मैं अपने सपने पर अपनी मेहनत करते रहा और इस तरह से मेरा सिलेक्शन हुआ। इस क्रम में हमारे मोहल्ले के सर हैं राजीव सर, उनका भी बेहतर मार्गदर्शन रहा। और जब मैंने पीटी और मेंस क्वालिफाई की तो उसके बाद हमारे सर ने भी, हमारे भैया हैं, बड़े भैया पलाद भैया, उनका मार्गदर्शन आया कि आप पटना में एक मिशन 50 संस्थान है, उनसे जाके जुड़िए। तो मैं उनसे संपर्क किया। उस संस्थान के संस्थापक रंजीत कुमार सिंह हैं, जो आईएएस हैं, मैंने उनसे संपर्क किया और उस संस्था को ज्वाइन किया और बेहतर मार्गदर्शन मिला। मैंने फील किया कि उस संस्थान में बहुत अनुभवी लोगों का, अनुभवी शिक्षकों का मार्गदर्शन मिलता है, जिसके कारण बहुत सारे लोग सफल होते हैं। अगर इस साल की भी बात की जाए तो 1454, पूरे बिहार में 1454 लोगों का फाइनल रिजल्ट हुआ है, जिसमें 500 से अधिक करीब मिशन 50 संस्थान से ही है। तो एक छोटे से संस्थान, एक संस्थान से 500 से अधिक लोगों को सफलता मिलना एक बहुत बड़ी बात है बिहार के लिए। तो वर्तमान समय में जो भी हमारे भाई बहन लोग तैयारी कर रहे हैं, तो उनसे मैं कहूँगा कि आप भी मिशन 50 संस्थान से जुड़े और एक बेहतर मार्गदर्शन में रहकर आप अपने सपने, माता पिता के सपने को साकार करें और पूरे जिले का नाम रोशन करें, पूरे बिहार का नाम रोशन करें और अपनी सफलता तक पहुँचने की बेहद कोशिश करें। और जिस तरह से मेरी आर्थिक स्थिति बेहद कमज़ोर थी, तो मैं वैसे सभी समुदाय के, वैसे सभी मेरे भाइयों बहनों को मैं एक कहना चाहूँगा कि आर्थिक स्थिति होती है, लेकिन उसके बावजूद भी अपने एम के प्रति अग्रसर रहना चाहिए। और अगर आपके मेहनत में दम होगा, आपके सपनों के प्रति आप अग्रसर रहेंगे, तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। और किसी भी समुदाय से हैं, किसी भी छोटे से कस्बे से हैं, कहीं गांव से हैं, छोटे से गांव से हैं, तो सबों को एक सीख लेनी चाहिए कि हम भी अधिकारी बन सकते हैं, जैसे कि मैंने अपने सपना के प्रति अक्सर रहा, मेहनत किया, बहुत सारी समस्याएं आई, उसके बावजूद भी मेरा सिलेक्शन एक अधिकारी के रूप में हुआ है। तो मैं सभी भाइयों बहनों से कहना चाहूँगा कि आप भी अपनी तैयारी में लगे रहें और कोई भी समस्या आए उसके बावजूद भी अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ें और निरंतर लगे रहें।
और इस तरह से बस इतना ही, धन्यवाद।